हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 4 सितंबर को सोनीपत के गांव खेवड़ा में टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर देश और हरियाणा का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी सुमित आंतिल के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में बुधवार को विश्वविद्यालय के सेवादार कर्मचारियों ने रविंदर दिलावर को हरियाणा वित्त निगम का निर्देशक बनने पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राय विधायक मोहनलाल बडोली मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक मोहनलाल बडोली ने भी मंच से संबोधित करते हुए कहा कि पहले यह विश्वविद्यालय नहीं था, एक इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, लेकिन आज यह विश्वविद्यालय के तौर पर विकसित हो चुका है और इस विश्वविद्यालय का नाम देश ही नहीं विदेशों तक भी पहुंच चुका है और यहां पर देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से इसका नाम आता है और सरकार हमेशा ही शिक्षा के प्रति गंभीर है। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की अच्छी सोच की वजह से ही यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के द्वारा उनको जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वह उसे पूर्ण करेंगे। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में राय विधानसभा विधायक मोहनलाल बडोली ने क्या कहा। ओलंपिक गेम हुए, ओलंपिक गेमों में हमारे देश के कई खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल और अन्य मेडल जीत कर आए और उसके बाद जो पैरा ओलंपिक टोक्यो में हुए उसमें भी हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों ने अभी मेडल जीत कर आए हैं और खेवड़ा गांव से ही सुमित कुमार आतिल जो गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं उनको बधाई भी देता हूं और सबसे बड़ी बात है कि उनके स्वागत समारोह में हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी दोनों ही उस प्रोग्राम में पहुंचे और आप सब जिस प्रकार से यहाँ उपस्थित है आपका जो काम है आपके काम से बहुत सारे लोग प्रभावित हो और जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ इस देश का, जो लाल किले की प्राचीर से देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुख से ये बात कही कि मैं प्रधान सेवक हूँ, अरे देश के अन्य नेताओं के अंदर भी वो भावना गई कि हमने भी एक सेवक की तरह जनता की सेवा करनी चाहिए और उसी भाव से आज मैं भी आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook पर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें Instagram, Twitter, Facebook पर फॉलो भी कर सकते हैं, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश और दुनिया की खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट sggdnews.com पर लॉगिन करें।